नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कासगंज जनपद के पटियाला विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष मोहनेन्द्र शाक्य ने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री और विधायक शिवपाल यादव से लखनऊ में उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की है। इस मुलाकात के दौरान दोनों लोगों में कासगंज जिले के विकास को लेकर चर्चा हुई है। कासगंज जिले की 3 विधानसभाओं के लिए विकास कार्य को लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने 9 सूत्री मांग पत्र सौंपकर आग्रह किया है और साथ ही निम्नलिखित मुद्दों को लेकर साथ ही तमाम और मुद्दों को लेकर भी विस्तार से चर्चा की है। इस मुद्दों को लेकर खास नजर लोगों की बनी हुई है और साथ ही बता दें कि यहां पर सपा प्रवक्ता ने मांग पत्र सौंपते हुए तमाम चीजों पर चर्चा की है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के झांसी दौरे के दौरान केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बड़ा बयान दिया है और कहा है कि यूपी की कानून व्यवस्था के साथ ही जिसने भी खिलवाड़ किया उसकी मिट्टी में मिला दिया जाएगा और हमारे मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से अपराधियों और बदमाशों को लेकर यह कड़ा संदेश दिया गया है कि मारने वालों में समाजवादी पार्टी के सांसद जो है अतीक अहमद और उनके परिवार के साजिश से उसकी हत्या की गई है, जिसमें उनका लड़का भी एक अभियुक्त है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने कल विधानसभा के भीतर स्पष्ट रूप से बता दिया। पीलीभीत में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को 3 तलाक दिए जाने का मामला सामने आया है। वहीं पुलिस ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराते हुए विवाहिता का आरोप है कि 3 तलाक दिया गया है और जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है। दरअसल मामला परनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला गहलुइया गांव का बताया जा रहा है, जहां विवाहिता का आरोप है कि उनकी शादी गांव के ही रहने वाले जावेद शेख से हुई थी और परिवार के लोगों ने 3 तलाक साथ ही बता दें कि दिया है और इस दौरान पति ने 3 तलाक दिया है और साथ ही परिवार के लोगों ने 3 लाख रुपए, 3 तोला सोना और साथ ही सुपर स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल दहेज में दी थी। इसके बाद से भी लगातार ससुराल पक्ष दहेज की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान अक्सर विवाहिता के साथ ससुराल पक्ष के लोग मारपीट करते हैं। विवाहिता की 7 महीने की बेटी भी है। बीते दिनों मारपीट से परेशान होकर महिला ने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। स्थानीय लोगों के मिलकर समझौता करा दिया था, लेकिन ससुराल पक्ष के लोग जस के बता दें कि अपने हरकतों से बाज नहीं आए हैं। दोबारा उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दी, दहेज की मांग करते हुए नजर आए हैं और जान से मारने की धमकी देते हुए नजर आए हैं। इसके बाद परेशान होकर विवाहिता ने इस मामले की जानकारी पूरनपुर थाना पुलिस को दी है और इस दौरान पति जावेद शेख सहित 13 लोगों को संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। किस तरीके से तलाक दिया आपको? मतलब फोन आया था, फोन पर कहा अपने उनके घर वालों ने कहा लड़की को तलाक दे दो, उन्होंने तलाक दे दिया और कहा मैंने तो तलाक दे दिया है, अब तुम इसे लड़की को जलाकर मार दो, कुछ भी करो, चाहे लाश गायब कर दो और कुछ भी इसके साथ करो। कितने लोगों पर मुकदमा लिखवाया? मैंने 13 लोग। महोबा में बीते शाम हुए भीषण सड़क हादसे में ट्रक चालक द्वारा स्कूटी को 2 किलोमीटर तक घसीटते हुए हृदय विदारक घटना को अंजाम दिया गया। 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बता दें कि एसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ गैर इदारत हत्या धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की है। तो वहीं ट्रक को सीज किया गया है। आगे की कार्रवाई लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है। देखिए, ये कल रात शाम के 5:30 बजे की घटना है, अत्यंत ही हृदय विदारक, बहुत ही दुखद घटना, जिसके अंदर एक 70 वर्षीय बुजुर्ग अपने नाती को लेकर निकले ही थे घर से स्कूटी पर सवार होकर के सामने से एक डंपर आ गया जिसने उनको टक्कर मारी, उनकी मौके पे ही मौत हो गई व उनका जो नाती सात्विक उसकी भी मौत हो गई है। ये अत्यंत ही विदारक हृदय विदारक घटना हुई है। इसके बारे में त्वरित कार्रवाई करते हुए उस डंपर को सीज किया गया है, उसके ड्राइवर को पकड़ लिया गया है। जो प्राप्त तहरीर है उसके अनुसार धाराओं में FIR पंजीकृत की गई है, किंतु यह इतना ज्यादा हृदय विदारक था कि इसके अंदर वह कुछ वीडियोस भी आए हैं जिसमें वह घसीटता चला गया था।
बदायूं में बिसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग के अव्यवस्था की पोल खुलती नजर आई है। दरअसल नसबंदी कैंप के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अमान्य चेहरा देखने को मिला और महिलाओं को न स्ट्रेचर दिया गया और न ही बेड प्रोवाइड की गई। साथ ही बता दें कि ऑपरेशन रूम के बाहर ही फर्श पर पीड़ित महिला को लिटाया गया है। झांसे के दीनदयाल सभागार में उत्तर प्रदेश के पुलिस के उप निरीक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। इस दौरान लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से डीआईजी झांसी रेंज जोगेंद्र कुमार ने सभी सुनिश्चित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया, जिसमें पीएमसी के प्लान कमांडर, नागरिक पुलिस उप निरीक्षक और साथ ही अग्निशमन के पद के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। कुल 518 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान एसएसपी राजेश एस सहित तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे हैं। आज देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में 9,055 लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर्स के पद पर भर्ती हुए हैं। उनके नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम था, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, अग्निशमन के द्वितीय अधिकारी और प्लाटून कमांडर्स, इनका नियुक्ति पत्र आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखनऊ से बांटा गया है और ये सभी 18 रेंज में यह कार्यक्रम कराया गया। रेंज स्तर पर झांसी रेंज में कार्यक्रम हुआ है, जहां जालौन, ललितपुर और झांसी जनपद और मध्य प्रदेश के जो 18 जनपदों से, अलग अलग जनपदों से जो भर्ती हुए हैं, इसमें सब इंस्पेक्टर्स की परीक्षा पास करके उत्तर प्रदेश पुलिस के बेड़े का भाग बनने जा रहे हैं। मोड ब्लॉक के ग्राम छोटा के प्राथमिक माध्यमिक स्वास्थ्य, बता दें कि स्कूल में टीचर स्टाफ द्वारा पढ़ाने वाले छात्रों को इच्छा रायकवार में बुरी तरह से मारपीट की गई है और साथ ही घर पर बताने को लेकर धमकाया भी गया है। इस कारण स्कूल में बच्चों में भय का माहौल देखने को मिल रहा है। बच्चे स्कूल जाने से डरते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रा ने माता पिता ने स्कूल के स्टाफ पर कार्रवाई करते की मांग की है और साथ ही बता दें कि यहाँ पर शिक्षक ने काफी बेरहमी से इस छात्र की पिटाई की है, जिसके बाद से जो परिजन है उसमें काफी गुस्सा नजर आ रहा है। रायबरेली के उच्चहार संदिग्ध परिस्थिति में आरखा प्लाई, बता दें कि फैक्ट्री के सामने पड़े मैदान में पराली भीषण तरीके से आग की लपेट में आ गई है, जिससे वहां से बता दें कि प्लाई फैक्ट्री और गैस एजेंसी में के लोगों में हड़कंप मचा हुआ नजर आया है। वहीं स्थानीय लोगों ने सूचना पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों में पहुंचकर आग पर बड़ी मशक्कत से काबू पाया है और बता दें कि इस फैक्ट्री के आगे ये खाली जमीन थी जहां पर पराली थे और किसी तरीके से यहां आग लग गई, जिसके बाद से फैक्ट्री के लोगों में हड़कंप मचा हुआ नजर आया है। किसी तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद से आग पर काबू पाया गया है। परिचय दे दिए भाई अपना। ज्ञानेंद्र सिंह जी, आज यहाँ ऊंचाहार में अरखा में आग लग गई है, किस वजह से लगी? अभी कारण तो पता नहीं चल पाया है, ये अच्छा, तो हमको लग रहा है कोई बीड़ी उड़ी पी के फेंक दिया है। अच्छा, तो सिगरेट पीने वाले, उसी वजह से लगी है। तीन गाड़ियाँ आई दमकल की। अच्छा अच्छा, तब फिर बुझ पाई है। सामने गैस गोदाम है, बगल में वो प्लाई फैक्ट्री है। तो कोई हताहत हो नहीं पाई? नहीं नहीं, कोई कोई किसी को कुछ जानी मानी नुकसान नहीं हुआ? नहीं, कोई जान माला कोई खतरा। और दमकल मौके पहुंच के जो है पानी से सारी बुझा दी आग, कोई बड़ी हताहत नहीं हो पाई? नहीं नहीं। चूला झांसी के बहुरानीपुर तहसील अंतर्गत घसान नदी में खकोरा घाट पर दिन रात चल रहे लिफ्टरों के माध्यम से अवैध खनन का काम जारी है। वहीं एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां यहां उड़ाई जा रही है। जिलाधिकारी झांसी के आदेश के बाद से यहां अवैध खनन का काम रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वही महोबा में महिला थाने में पति की शिकायत करने आई एक महिला पहुंची थी और इस दौरान थाने के बाहर खड़े पति ने शिकायत के डर से जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद से थाने के बाहर हंगामा होता हुआ देख पुलिस पहुंची और तत्काल उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर द्वारा इसका इलाज लगातार किया जा रहा है। 26 फरवरी को समय करीब 3 बजे नीतू श्रीवास, पत्नी विष्णु श्रीवास, निवासी पठानपुरा थाने पर अपनी मां के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी अपने पति के खिलाफ, पति से विवाद के चलते। और उसी वक्त किसी ने सूचना दी कि थाने के गेट के बाहर उनके पति विष्णु श्रीवास
निवासी पठानपुरा ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया है, जिसकी वजह से वो उल्टी कर रहे थे। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी उनकी स्थिति सामान्य है, शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है। ललितपुर में जिले में बड़े पैमाने पर गांजे की खेती की जा रही है। वहीं ग्रामीणों ने गांजे की खेती का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है, जिसके बाद से लगातार प्रशासन में और हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। और ये गांजे की खेती की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से की जा रही है, काफ़ी बड़े पैमाने पर, और प्रशासन को इस मामले की जानकारी तक नहीं है। प्रशासन अब मामले की तफ्तीश में जुटा हुआ है, लेकिन इस तरीके से ललितपुर में ये गांजे की खेती की जा रही है, या कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। रायबरेली में एक सप्ताह बीतने के बाद भी लाखों की चोरी के मामला पुलिस ने दर्ज नहीं किया है, मुकदमा नहीं दर्ज किया गया है। परेशान होकर पीड़ित ने मुख्यमंत्री से शिकायत कर मुकदमा पंजीकृत करवाने की गुहार लगाते नजर आए हैं। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जनपद के थाना नवाबगंज क्षेत्र में संग्रामपुर निवासी अरुण कुमार यादव ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अकौढ़िया रोड स्थित यमुना विहार कॉलोनी में घर बनाकर निवास करते हैं और बतौर बता दें कि शिक्षक है विद्यालय में। और साथ ही 17 फरवरी को शिक्षक अरुण परिवार समेत एक पैतृक गांव गए थे, और इस दौरान 19 फरवरी को जब वे वापस आए तो उन्होंने देखा घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। घर के अंदर जाकर अलमारी उन्होंने देखी तो उसके भी ताले टूटे हुए थे, और 14,000 की नकदी समेत तमाम चीज़ें, 5 लाख की जेवरात भी गायब देखे गए। उसके बाद से पीड़ित ने इस मामले की शिकायत करने के लिए कोतवाली पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन करीब एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। पीड़ित लगातार परेशान है। उन रविवार को हताश होकर शिक्षक ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की मांग करते नजर आए। मैं अरुण यादव, अकुड़िया रोड, यमुना बिहार से। क्या मामला हुआ है? हम लोग 17 तारीख को चले गए थे अपने पैतृक गांव संग्रामपुर, और 19 तारीख को रात शाम को वही 5 बजे तकरीबन लौटे तो देखा घर आके कि घर के 3 ताले टूटे पड़े थे। अंदर जाके देखा तो अलमारी टूटी पड़ी थी, पूरे जेवरात और नकदी 14,000 रुपये गायब थे। और जाके हम लोगों ने 100 नंबर बुलाई, उसके बाद फिर थाने गए और SHO साहब ने हमारी कंप्लेन भी नहीं करी। लगभग कितने की चोरी हुई है? लगभग 4 से 5 लाख के बीच की जेवरात होंगे, 14,000 रुपये कैश है। और 19 तारीख को अप्लीकेशन दिए हैं, 2 बार जा भी चुके हैं, बस हवाला मिलता है कि हाँ बस ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारी FIR तक दर्ज नहीं की गई है। आगरा में SOS और साथ ही उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा यूरोप और अमेरिका में आए अंतर्राष्ट्रीय हाथी विशेषज्ञों की उपस्थिति में देश की पहली 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हाथियों की स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। वहीं कार्यशाला पूरे भारत के फील्ड्स में मौजूद पशु चिकित्सकों की क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, और पशु चिकित्सकों को बेहतर ढंग से अत्याधुनिक तकनीक के बारे में ज्ञान प्रदान करने पर केंद्रित है। हमारा ये आज का इनॉग्रल फंक्शन है 6 दिन का वर्कशॉप का, और इस वर्कशॉप में हम ओवरऑल एलिफेंट हेल्थ असेसमेंट का करेंगे, उसके बाद कोलिक, और कोलिक मतलब पेट का इश्यूज, जेरियाट्रिक केयर मतलब ओल्ड एज का, और फूट इश्यूज, उसका पैर का इश्यूज, और उसका TB, हर्पीज वायरस, और आंखों का इश्यूज, और मस्त मैनेजमेंट, इतना 4-5 अन्य टॉपिकों में 5 दिन का लगातार हैंड्स ऑन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया वाइल्ड लाइफ SOS, सेंट्रल सू अथॉरिटी, उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एलिफेंट केयर फाउंडेशन, और वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये सब संस्था से जोड़ के हमने ये बहुत एलिफेंट में 3 decades 30 साल से ज़्यादा काम करने एक्सपर्ट्स को लाया गया है। अमेठी में सरकारी भवनों के निर्माण में भ्रष्टाचार के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले जहां पर जिले में कई गांवों में सोखता गड्ढे बनवाने में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार सामने आया, तो एक बार फिर से जिले के ANM सेंटर बनवाने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। अमेठी तहसील के दरखा गाँव में करीब 72 लाख रुपये की लागत से बन रहा था, और साथ ही ANM सेंटर में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। ग्रामीणों ने ANM सेंटर के निर्माण में लगाई जा रही घटिया ईंटों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है,
और इतना ही नहीं, A&M सेंटर में सड़क के प्रयोग में जाने वाली बड़ी बड़ी गिट्टियां भी लगाई जा रही है। क्या नाम है, घर कहाँ है आपका? सुनील कुमार द्विवेदी, पूरे सुलाल दरखा। भैया, एनएम सेंटर बन रहा है, उसमें मटेरियल किस तरह के लग रहे हैं? एकदम घटिया माल लग रहा है, गिट्टी देख लीजिए आप कैसे लग रहा है। जहाँ ईटा की गिट्टी लगना चाहिए वहाँ पत्थर की गिट्टी है, जहाँ भीम से होना चाहिए वहाँ एक एक सरिया खड़ी हो रही है। क्या नाम है भैया आपका, घर कहाँ है? मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता, पूरे बरिया दरखा मेठी। भैया, आपके यहाँ एक एनएम सेंटर बनाया जा रहा है, उसमें मटेरियल जो लगाया जा रहा है किस तरह और कैसे लगाया जा रहा है? मटेरियल आप देख रहे हैं, गिट्टी ईटा की जुड़ाई, ईटा और गिट्टी सही लग रहा है कि इसमें कितना नंबर ईटा लगाया जा रहा है? नंबर देखने तो लग रहा है 3 है। दरखा में उपकेंद्र का निर्माण हो रहा है और कार्यदायी संस्था UPRNSS है, जिसको सुल्तानपुर पैकफेड कहते हैं, तो वो निर्माण कार्य करा रही है, उसका चयन सरकार के स्तर पर ही किया गया है। यूपी के पीलीभीत जनपद के राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान और मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में महिलाओं को अपने समाज और देश के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं का हमेशा से इस समाज के कल्याण में बड़ी सहभागिता रही है। इस मातृशक्ति समन्वय सम्मेलन में लगभग 30,000 से अधिक महिलाओं ने हिस्सा लिया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है सारी महिलाओं को एक मंच पे लाना। महिला किसी जाति धर्म में नहीं बड़ी होती है, महिला महिला होती है। तो किसी भी जाति धर्म की महिला हो, ऊंची हो नीची, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊंचे घर से है गरीब घर से है, महिला महिला होती है। और सारी महिलाओं को सम्मान देने और इस राष्ट्र के निर्माण में। कासगंज जनपद के सोरो कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों उधारी के रुपए मांगने को लेकर हुई मारपीट में घायल हुए अंधेड़ व्यक्ति के उपचार के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया है। मामले में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने को लेकर परिजनों में पुलिस के प्रति आक्रोश देखने को मिल रहा है। हालांकि पुलिस ने परिजनों को समझाया बुझाया है, कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन बता दें कि SI प्रवेश ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस संबंध में परिजनों ने बीते 20 फरवरी को पुलिस अधीक्षक को दोबारा प्रार्थना पत्र दिया था। नाम है आपका? गिरीशचंद। जो आपके भाई के साथ हादसा हुआ, क्या हुआ है? हमारे 50,000 रुपए थे गंगा सिंह के, हमने 30 तारीख का बाजा था, पहली तारीख को उन्होंने मारपीट कर दी, हमारे पैसे तो दिए नहीं, मारपीट कर दी लड़के की। हाँ, लड़के की मारपीट कर दी सुरेंद्र की। हाँ जी, भाई सब चलेगा थाने में रिपोर्ट लिखाने, और जो सवेरे को जो दिल्ली से आए कुछ और जानते हैं, ये हमारे घर पर चल बैठे। हाँ, लाठी डंडा और सब्बल फब्बल जो ये उठाने वाला होता है इनके हाथों में थे, हमारे भाई पर चिपट पड़े, इन्होंने सब तोड़ फाड़ कर दी, TV तोड़ी, ऑटो तोड़ा, मोटरसाइकिल तोड़ी। गत 2 फरवरी 2023 में थाना सोरो जनपद कासगंज अंतर्गत गाँव गोयती निवासी रामावतार की तहरीर पर एक मुकदमा अपराध संख्या 48/23 मारपीट का पंजीकृत हुआ था। मुकदमे के मजरूब सत्यप्रकाश का इलाज अभी चल ही रहा था, आज सुबह उसकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। सिद्धार्थनगर में रेलवे जमीन पर हो रही नाली निर्माण को लेकर RPF ने ध्वस्त कराया है, साथ ही वीडियो काफी वायरल हो रहा है। नाली निर्माण की शिकायत पर रेलवे उच्च अधिकारी पहुंचे थे, और साथ ही बता दें कि यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।